आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा मैं लाइव आ रहा हूँ, नए कोर्सेज का अनाउंसमेंट है, तो रात के 8:30 बजे आ जाना, बहुत कुछ बताऊंगा। यूपीएससी प्री प्लेसमेंट फाउंडेशन कोर्स, कुछ लोगों को कोर्सेज में डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जाओ यार ऐप डाउनलोड करो, कोर्स देखो, मजा आएगी। तो भैया देखो, ऐसा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया है कि एलएसी में जो डिस इंगेजमेंट है, अभी डिसएंगेजमेंट खत्म नहीं हुआ है। चाइना को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। तो चाइनीज ट्रूप्स का जो डिसएंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड। मतलब अभी तक डिसएंगेज नहीं हुए हैं, अभी तक चाइना बैठा हुआ है एलएसी पे। साथ ही साथ चाइना के ऊपर ये आरोप, क्या ये बिल्कुल सत्य है कि चाइना हथियारों की तैनाती कर रहा है, बहुत एडवांस हथियार एलएसी पे ला रहा है? ये मैंने 2 लेक्चर लिए थे इस पे। अब इतने एडवांस हथियार जो एलएसी पे ये तैनात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक तो मतलब यही है कि चाइना जिस तरीके से पिछली बार पिटा, तो इस बार वो ऐसा नहीं करेगा, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाएगा एलएसी पे। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है चाइना और आगे बढ़ जाए, उसकी भी तैयारी। लेकिन क्या हमारा भारत तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। डिप्लोमेटिक लेवल्स पे लगातार बात चल रही है कि डिसएंगेजमेंट कैसे हो, अभी तक हुआ नहीं है, यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया है। तो जो अरिंदम बागची हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने यही बोला है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट है, दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड। इनसे सवाल पूछा गया था कि चाइना जो है लगातार अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिले हैं। तो इन्होंने यही बोला कि देखो, अभी डिसएंगेजमेंट खत्म नहीं हुआ है। हम दोनों ने बैठ के ही एग्री किया समोसा वड़ा पाव खाते हुए कि हम स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, और अब कोई भी ऐसा न्यू इंसिडेंट नहीं होगा जिसकी वजह से तनाव और ज्यादा बढ़े। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है दोनों ही साइड, मतलब हम और चाइना, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत हो। ऐड किया इन्होंने, चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है, आपको पता ही है चाइना एलएसी में रुकी नहीं रहा है, वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आगे इन द सेंस की, मतलब एलएसी तो वही है, ठीक है, पीछे तो हट ही गया है, आगे इन द सेंस की मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसने तैनात कर दिया, और बहुत ही एडवांस तोपे तैनात कर दिए हैं, रॉकेट लॉन्चर्स तैनात कर दी, तोप तैनात कर दी है, रॉकेट लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। तो और साथ ही साथ अभी एयरफोर्स और आर्मी को भी इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम। तो यार यही है थोड़ी सी टेंशन वाली तो बात है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एलएसी पे आ रहा है, देखेंगे क्या होता है। छोटा सा, छोटू मोटू सा लेक्चर था ये, और यार 8:30 बजे आना मत भूलना। ये तो चलिए पिछली बार मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या हुआ था, 8:30 बजे आना मत भूलना, मज़ा आने वाली है आज, फिर से मज़ा आएगी, फिर से मैं आपको मज़ा दिलाऊंगा। और क्या, कुछ नहीं, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, कोर्सेज देखो, अगर समझ में आ रहा है तो लो। कोर्सेज के ऊपर एक वीडियोज लगाए हुए, हर कोर्सेज से अटैच आपको एक वीडियो मिलेगा, हमने सब कुछ क्लियर रखा है। डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लो, वीडियो को देख लो, एंड यू फील लाइक, बिल्कुल जाओ, अवेल कर लो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।